गुरु नगरी अमृतसर को एक नई उड़ान मिल गई है, जिसके चलते अमृतसर से स्कूट एयरलाइंस ने एक सीधी उड़ान अमृतसर से सिंगापुर के लिए शुरू की है। इस मामले में आज कंपनी के हेड भारत महादेवन अमृतसर आए और उन्होंने इस नई उड़ान के बारे में जानकारी दी। इस मामले में उनका कहना है कि पंजाब के अमृतसर में काफी लोग विदेश जाने की चाह रखते हैं और इसके चलते अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के लोग इस रास्ते से सिंगापुर का रास्ता तय कर सकते हैं। साथ ही कंपनी का कहना है कि पहले चरण में लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 3300 रुपए में एक तरफ की टिकट दी जा रही है। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि अनाउंस करने के लिए अमृतसर इज आवर फर्स्ट इंडियन डेस्टिनेशन। फर्स्ट फ्लाइट, हमारा पहला फ्लाइट ट्यूसडे को लैंड हुआ में 12 बजे को। वी आर ऑपरेटिंग 3 फ्लाइट्स अ वीक, हफ्ते में 3 बार हम अमृतसर से सिंगापुर नॉन स्टॉप लेके आ रहे हैं और जुलाई से ये हफ्ते में 4 बार 4 फ्लाइट्स अ वीक फ्रॉम अमृतसर टू सिंगापुर। हम 787 ड्रीमलाइनर ऑपरेट करते हैं, ये जो नॉर्मल लो कॉस्ट कैरियर छोटा एयरक्राफ्ट है, हमारा बड़ा एयरक्राफ्ट है। एक फ्लाइट में 365 सीट्स होते हैं तो पैसेंजर का कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है। ये हम सिंगापुर एयरलाइंस का 100% लो कॉस्ट सर्विस, तो सिंगापुर एयरलाइंस का जो कंफर्ट, सिंगापुर एयरलाइंस का जो सर्विस, वो हम स्कूट में देंगे। और हमारा इनोवेशन है 3,300 वन वे टू सिंगापुर, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल सरचार्जेस। सिंगापुर अमृतसर से सिडनी और मेलबर्न तक हम 13,500 इनॉग्रल फेयर लेके आ रहे हैं, 13,500 वन वे इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस फ्रॉम अमृतसर टू सिडनी और मेलबर्न। तो खाने में कैसे इंडियन फूड देंगे, क्योंकि अमृतसर के लिए गुरु नगरी है, गोल्डन टेम्पल लोग आते हैं, कैसा खाना मिलेगा? हम इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली हम इंडियन वेजिटेरियन फूड इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर फ्लाइट्स फॉर परचेज। भारत महादेवन, कंट्री हेड इंडिया ऑफ स्कूट। हमको बहुत खुशी हुई है कि अनाउंस करने कि अमृतसर इज आवर फर्स्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर स्कूट। ट्यूजडे को हमारा पहला फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड हुआ और 3 बार अमृतसर से सिंगापुर नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके आ रहे हैं और जुलाई से हफ्ते में 4 बार होगा अमृतसर से सिंगापुर। ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए पंचकुला सेक्टर 20 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यशदीप सिंह ने सराहनीय काम किया है। इंस्पेक्टर यशदीप ने अपनी टीम को साथ लेकर सड़क किनारे लगी रेहड़ी वालों को सेक्टर 20 में खाली पड़ी जगह पर शिफ्ट करवा दिया, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और रेहड़ी वालों को भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परेशानी न हो। जितनी भी रेडियां हैं जो इलीगल तरीके से फुटपाथ पे लगा रखी थी या ऑन रोड भी थी कुछ, उन सबको हटा दिया गया है। अब ट्रैफिक एकदम स्मूथ है और फर्दर कोई भी अगर ऐसे लगाएगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और इन रेडियो को इनको जगह भी प्रोवाइड कर दी गई है, जो थर्ड मार्केट है वो खाली पड़ी है, उनको जगह भी प्रोवाइड कर दी है, उनको सिर्फ शिफ्ट किया गया है ऑन रोड से। ये कोई स्पेशल जगह भी दी कहीं और जगह? ये लास्ट मार्केट में इनको जगह दी गई है जहाँ ये अपना जाके रेडियो लगा सकते हैं। इनको शिफ्ट किया गया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है, किसी को हटाया नहीं है। सर कुछ ये कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर रेडियाँ रोड के साइड पर लग रही हैं। अगर ये अपना कोई प्रॉपर जगह पे सही तरीके से लगाया जाए तो पब्लिक के लिए वो ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। देखिए मार्केट कमेटी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ के लिए? नहीं, उनसे बात हुई है लेकिन कोई अभी उनकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा था। हमने तो सिर्फ जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर की है, बाकी उनका जो काम है वो कर रहे हैं।
पंजाब सरकार हर नागरिक को अच्छी सेहत सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है और इसको सुचारू रूप देने के लिए हर तरह से उपाय कर रही है। सेहत सुविधा को क्या जनता ठीक ढंग से सरकारी अस्पताल पहुंचा रही है, इसकी जांच करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर सेहत विभाग पंजाब डायरेक्टर धनपाल ने आज मोगा के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर अचानक जांच की। पंजाब के सेहत विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के मोगा अस्पताल पहुंचते ही पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया और डिप्टी डायरेक्टर ने सीधे आते ही जच्चा बच्चा वार्ड ओपीडी इमरजेंसी और ओटी मरीजों को मिल रही सरकारी अस्पताल से दवाई की जांच की और उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों से बातचीत भी की। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏ ਡੀ ਐਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਸਰ ਡਰੱਗ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਅੱਜ ਵਿਜਿਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ 8:30 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੋਟੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ। शरारती तत्व की तरफ से श्री मुख्तसर साहिब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए लगाए गए पोस्टर के विरोध में पार्टी के लीगल सेल के इंचार्ज हिम्मत सिंह शेरगिल श्री मुख्तसर साहिब में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जिला पुलिस मुख्य के दफ्तर पहुंचे और डीएसपी हरमीत सिंह से मिले। उन्होंने पार्टी की तरफ से एक मांग पत्र भी सौंपा जिसमें पार्टी की छवि खराब करने के लिए श्री मुख्तसर साहिब शहर में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर पर एतराज जताते हुए शरारती अंशों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। मैं इहदा जवाब दिना जी, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने इश्तहार लगाए सीगे। मैं बिल्कुल ये तो इन्होंने झूठे ये लिखा कि अखंड कीर्तन जथन लाया सी, जदों कि अखंड कीर्तन जथन ने डिनाई करता। मैं वो जवाब दे रहा सर, पूरी गल सर स्कैंडिंग। मैं सारा जवाब दिना, इन्होंने जवाब दूंगा। मैं मान रहा आ जे पोस्टर्स आ इन्होंने लिखा कि अखंड कीर्तन जथे ने लाए सर, पूरी गल सुन ना, मैं वह जवाब दे रहा सर, एक सैकेंड सर मैं सर। हाँ कार्रवाई एप्लीकेशन ले ली थी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਰੈਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਸੀ ਆਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ, ਐਸ ਐਚ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਮੈਂ 20 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ
बीते दिनों गंगा नदी में डूबे लोगों की खोज आज दिन भर SDRPF की टीम करती रही। डूबे 8 लोगों में 2 लोग आज सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, जिसके बाद डूबे 6 लोगों की तलाश की जा रही है। गंगा नदी में चलने वाली मोटर युक्त नाव और SDRF की टीम मोटर बोट और गोताखोरों के साथ घटना स्थल पर टीम के साथ मनिहारी अनुमंडल प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। हादसा हुआ है यहाँ पे, किसान सब लोग अपना खेत पर आए थे देखने के लिए और वापसी लौटने में नाव छोटी थी, चलने वाली क्षमता कम थी उसका, आदमी का संख्या ज्यादा हो गया जिसके चलते 28 आदमी था उस पे जो है कि नाव डूब गया, उसमें से 22 आदमी ऊपर हुआ है, 6 आदमी अब तक लापता है, जो है कि अब तक प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों को मदद चाहिए, कर भी रहे हैं और ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं। हम लोग किसी न किसी तरह से लाश, हम लोग बॉडी जो है अपना निकालवाना चाह रहे हैं। SDRF की टीम और लोकल प्रशासन जो है उनके द्वारा जो है कि खोज लाश की जा रही है, एक लाश बरामद हुआ है, यानी कि खोज किसकी लाश? ये नारायण मंडल जी का है, नारायण वाला ग्राम पंचायत है। घटना क्या हुई? लोग लगभग 4:30 के आसपास जो है कि मैदानपुर देहरा से घर वापस आ रहे थे, उसी क्रम में ये दुर्घटना घटी है। नाव पलटी जी, नाव पलटी। कितने लोग सवार थे नाव? जो लोग बच के आए उनके द्वारा जो कहा गया 25-27 में लगे थे। मिसिंग कितना है? 6 में से जो एक मिल गए, 5 के वाले मिसिंग। 5 की तलाश जारी? तलाश जारी। क्या मुआवजा मिलेगा इनको? जी, इस मुआवजा जो कि जो प्रोविजन हम लोग गवर्नमेंट का है उसके तहत कल DM साहब भी आए थे, उसके साथ भी आए थे, DC साहब भी आए थे। जालंधर में 2 दिन पहले गुरु नानकपुरा में छात्र की हुई हत्या के मामले में भाजपा 2 गुटों में बट गई है। छात्र हत्याकांड में भाजपा के युवा मोर्चा नेता कृष्णलाल शर्मा ने भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के खिलाफ प्रेस वार्ता कर उनको हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुछ ही देर बाद जिला भाजपा प्रधान व अन्य भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर मनोरंजन कालिया को क्लीन चिट देते हुए कृष्णलाल शर्मा को पार्टी से निष्कासित करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जलंधर अज श्री कृष्ण लाल शर्मा जो कि पार्टी के कार्यकर्ता सगे उन्हों पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अज उन्होंने पार्टी चो निष्कासित किया है। जड़ा गुरु नानकपुरे चिकिटी के कतल होया मुख रख के कृष्ण लाल शर्मा जी ने पार्टी के नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मनोरंजन कालिया जी के खिलाफ दोषारोपण किया है। सारी पार्टी कालिया जी के नाल है, सारे नेतागण जलंधर के वरिष्ठ इतने मौजूद ने। असी जिथे कृष्ण लाल शर्मे दिन गतिविधियां की निंदा करते हैं असी अपने श्री मनोरंजन कालिया जी के नाल मोढ़े ना मोढ़ा ला खड़े हाँ कि साडा यह नेता जिसने सारा जीवन जलंधर च गुजारिया है, जनता की सेवा की है, वो इदा की कोई कार्रवाई इदा की कानूनी हरकत के शामिल नहीं हो सकता, इदा के कानूने काम शामिल नहीं हो सकता। जिहड़ा गुरमीत सिंह औलख है जिहड़ा कहा जाता उस दोषी का भरा है, चचेरा भरा, इन्हां दे घर दोनों के नाल नाल ने, जिवें कि अज दैनिक जागरण च आया है कि उस व्यक्ति नूं इन्नियां कालां कीतियां जिहड़ियां पुलिस रिकॉर्ड च ने, जां कतल तो बाद सब तो पहलों जन जागृति मंच का कार्यालय उहदे विच जा के उह बंदे पहलों बैठे ने। इह कार्यालय किहदा है? कृष्ण लाल शर्मा जी दे 2 सभावां चलदियां ने, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाते, दूजा जन जागृति मंच के नाते। यह गुरमीत सिंह औलख कृष्ण लाल शर्मा जी के नाल दोनों संस्थावां दे विच मोढ़ी है, महासचिव है, उन्होंने रल मिल के काम करता है। जिहड़े अज असी पेपर तुहानू सबमिट किए ने, दिखाए ने, तुहानू दिते ने, बंडे ने, इहदे विच स्पष्ट है कि इन्हां दोनों ही संस्थावां दे सारे कार्यक्रमां च दोनों स्टेज दे उत्ते मोढ़ी ने, मोढ़ी दे तौर ते काम कर रहे ने। सारियां जो यह गल्लां सामने लिया रहे ने उन्हों का तिलक सीधा इन्हों के नाल ही है। असी अज पुलिस कमिश्नर साहब नूं वैसे असी खुद भी गल करके मिल के उन्होंने प्रार्थना कर रहे हाँ कि इस सारे कांड की गहराई नाल जांच की जाए तो दोषियों पूरी तरह चंगी तरह कानून कार्रवाई करके जिथे उन्हों की थां बंदी उत्थे पहुँचाया जाए।
मानसा जिले में आम आदमी पार्टी के नेता व उनके बेटे पर झूठा पर्चा दर्ज करवाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के कहने पर गांव के सरपंच ने दर्ज करवाया है। अगर ये केस कैंसिल नहीं किया गया तो तीखा संघर्ष पंजाब सरकार के खिलाफ किया जाएगा। ये बात आम आदमी पार्टी के नेता हेमंत सिंह शेरगिल ने भटिंडा प्रेस क्लब में संबोधन करते हुए कही। हरसिमरत कौर बादल के कहने से साडे जिहड़े लीडर ने इत्थे जीवन सिंह फौजी के इन्हां दा जिहड़ा माइनर बेटा जिहड़ा दसवीं क्लास पढ़ता है, बिल्कुल झूठा परचा। तुसीं देखो कि पंचायत ने कंप्लेंट की है, स्कूल वालों भी कोई कंप्लेंट नहीं। सो क्योंकि एक बहुत साढ़े इत्थे एक्टिव वॉलंटियर से, इन्होंने कारगिल भी हिस्सा लिया, उस लड़ाई भी इन्होंने जिहड़ा बॉम्बे अटैक होया सी टेररिस्ट का उहदे भी हिस्सा लिया, सियाचिन जाके काम किया। सो एक जिहड़े फौजी एक्स फौजी साड़ी पार्टी इन्नी मेहनत कर रहे थे, जो साडे मानसा जिले के प्रधान भी रहे, कन्वीनर भी रहे, उन्होंने बेटे के खिलाफ एक माइनर सन के खिलाफ एक झूठा परचा जिहड़ा कि अखबारों से बयान आए हैं, कि प्रिंसीपल के भी बयान आए हैं, टीचर के भी बयान आए हैं, बिल्कुल झूठा परचा। एक वेंडेटा की कार्रवाई, एक इस तरह की कार्रवाई कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लीडर्स उन्होंने मनोबल तोड़न वास्ते एक झूठे परचे ये कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर एक वॉलंटियर के नाल, हर एक अपने सपोर्टर के नाल, हर एक मैंबर ऑफ द पब्लिक, हर एक सिटीजन के नाल जिदे नाल ये धक्का कर रहे हैं, उन्होंने खड़े आ। तो 9 महीने च हुण अपनी सरकार आ जानी आ, आम आदमी सरकार आ जानी आ। जिहड़े भी अफसर ने, जिहड़े भी पोलीटिशन ने, किसी भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर सपोर्टर या मैंबर ऑफ पब्लिक के नाल किसी किस्म की झूठी FIR की, कोई भी धक्का किया, हुण 9-10 महीने की गल रह गई है, उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाइया होनगियां, तो वो जेलां जाणगे। एक तरफ पूरे देश में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मऊ में जहरीला पानी पीने को लोग मजबूर हैं। पूरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा मोहल्ले का है, जहां नगर पालिका परिषद के वाटर सप्लाई का जहरीला पानी लोगों के घरों में आ रहा है और उसी पानी को पीकर लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन बीती रात जहरीले पानी को पीने से लगभग 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं जिलाधिकारी सहित कई डॉक्टरों ने मौके पर पहुंचकर बीमारों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कल शाम से अभी तक जो है कुल 42 लोग आए, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे हमारे यहाँ 36 लोग भर्ती है, ठीक है। 36 भर्ती में 4-6 डिस्चार्ज हो चुके हैं और सारी बाकी जो मरीज हैं इनकी हालत बिल्कुल कंट्रोल में है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग। क्या कारण रहा बीमार है? कारण तो जैसा हमें सुनने में आया कि वो पानी की दूषित पानी के पीने की वजह से ये ऐसा हुआ है। खास मामले में अस्तुपुरा और वहाँ पर हरिपुरा अस्तुपुरा मुस्तफापुरा में, यहाँ पर पेयजल की सप्लाई में दूषित पानी आ गया, जिससे 30-40 लोग बीमार पड़ गए हैं और बहुत गंभीर, कुछ लोग बहुत गंभीर रूप में हैं, बाद में हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ लोग निकट के अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ लोग घरों पे भर्ती हैं, पानी चढ़ रहा है। यहाँ नगर पालिका से रहता है। SP संजीव त्यागी ने आज एक प्रेस वार्ता की और 2007 में भागी चिटफंड अनसिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया। क्राइम ब्रांच और थाना सिविल लाइन पुलिस ने मिलकर आरोपी मलिक जावेद अख्तर, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, उसे मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड के सामने से गिरफ्तार किया है। वर्ष 2007 से यह अभियुक्त वांछित था। 2007 में मलिक जावेद अख्तर, जो हमने गिरफ्तार किया है, इसने और इसके साथी परवेज ने NS सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट नाम की एक फर्म शाहबाग गेट के पास चैम्बर सुपरमार्केट में खोली। ये इन्वेस्टमेंट फर्म के नाम पर इन्होंने रामपुर के लोगों से लाखों रुपया इकट्ठा किया। अपना कॉरपोरेट ऑफिस इन्होंने लाजपत नगर मुरादाबाद में बनाया। सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद ये रातों रात गायब हो गए। इनका कॉरपोरेट ऑफिस भी रातों रात बंद हो गया। उसके बाद 2007 में ही इंजल बिलाल शमसी, इसने एक
अपराध संख्या 2031/2007 धोखाधड़ी का एक मुकदमा लिखवाया थाना सिविल लाइंस पर। इन दोनों की तलाश में पुलिस 2007 से ही लगी हुई थी। पिछले 9 साल से ये फरार थे। अभी कल शाम थाना सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच ने इन्हें रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। हाल में ये देहरादून में रह रहा है और इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित है पुलिस टीम की तरफ से। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज मथुरा पहुंचे, जिन्होंने मथुरा के रेलवे जंक्शन पर बिजली से चलने वाली स्वचालित सीढ़ी का पूजन कर उद्घाटन किया और मोदी सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धि के बारे में लोगों को बताया। वहीं मनोज सिन्हा ने अपनी करोड़ों रुपए की योजनाओं को आगामी वर्षों में शुरू करने की जानकारी दी और कहा कि रेल मंत्रालय के करोड़ों रुपए की लागत से मथुरा स्टेशन लाभान्वित होगा। स्वचालित सीढ़ियों को आज मथुरा की जनता को हल्के करने से और इस लाइब्रेरी में खासतौर से देश भर से आने वाले श्रद्धालु अब आराम से जा सकेंगे, इसका इंतजाम किया है। 2 एस्केलेटर यहाँ स्वीकृत हैं, एक लग गया है, दूसरे के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल रही है। DRM उस कार्य में लगे हुए हैं और एक प्रस्ताव इन्होंने चौड़े फुट को ओवरब्रिज बनाने का भेजा है, जाने के बाद पंजाब के बठिंडा में पुलिस कर्मी का शव बरामद हुआ है और महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसकी कार हादसाग्रस्त बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुलाजिम अपने 2 दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में उनकी कोई तकरार होने से उसके साथियों ने उसका कत्ल कर दिया और मृतक का शव महमा सरजा गांव के रजवाहे पर फेंक कर कार लेकर फरार हो गए। गड्डी एक्सीडेंट हो जाए, गड्डी पीछे सी अपनी जी, तो जो आके कोले खिलारी भी एक्सीडेंट दे लिया भाई की होया की नहीं, तो मुड़ के यानी कि उन्हें पिस्तौल यानी कि कन्ना ला के गड्डी वेली करा दी। बंदे तो जी 2 दसदे जी, एक यानी कि कन्ना ला गए यानी कि पिस्तौल, दूजा भज गया पैने। 2 बंदे दसदे एक बंदा देखा, पतली सेब सी कोई ज्यादा मोटा नहीं, हाँ माड़ी मोटी दाढ़ी सी, मोना सी बस, कोई 10:30 का टाइम सी। ਪਰਮਾਨੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਠਿੰਡੇ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰੀ ਸੀ? ਬਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸਮੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਦੋਸਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗਿੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ 2 ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਗੁੰਡਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਾਰੂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ? 2 ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਪਕੜਾ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਨੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और स्थानीय वकीलों को संबोधित किया। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और गोहला विधायक कुलवंत बाजीगर समेत कैथल बीजेपी इकाई के अधिकारी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन की मांग पर मुख्यमंत्री ने वकीलों के चैम्बरों और बार की सुविधाओं के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। काम कर रहे हैं हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो संकल्प लिए थे उन सबको काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को हमने जल्द से उखाड़ फेंका है, गरीब लोगों के लिए नई नई स्कीमें बना रहे हैं, विकास के जो नए नए आयाम हैं वो खड़े कर रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी वर्ग हो, किसानों का वर्ग है, वकीलों का वर्ग है, विकासों का वर्ग है, व्यापारियों का वर्ग है, उद्योगपतियों का वर्ग है, इन सबके लिए जो जो योजनाएँ हैं को हम पूरा कर रहे हैं, चाहे हरियाणा सरकार हो। निवेश को लेकर के हरियाणा, जैसे हमने बताया कि हमारे इन्वेस्टर्स समिट के अंदर 357 MOU उस समय हुए थे और आज जो 522 हो चुके हैं, उसके बाद और MOU हुए हैं, तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का वायदा उस समय हुआ है। उसमें से बहुत से लोग आने शुरू हो गए हैं। अभी हमारी महीने में 2 बार मीटिंग होती है, तो सिंगल रूफ सिस्टम के अंतर्गत जो जो अपने लाइसेंस लेकर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो महीने में 2 बार हमने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में 2 बार जो मीटिंग हुई है उसके अंदर 16 या 17 ऐसे लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इस गति को और आगे बढ़ा करके इन सब MOUs को रियल एग्रीमेंट के अंदर बनाएं। ग्रीन मॉडल टाउन से कुछ महीनों पहले पत्रकार अमित गुप्ता की किडनैपिंग की गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। थाना नंबर 7 की पुलिस ने पत्रकार अमित गुप्ता को किडनैप करने वाले और उनको लूटने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से तेज धार हथियार भी बरामद हुए हैं। हालांकि इस मामले में अभी 2 युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक प्रेस रिपोर्टर अमित गुप्ता की किडनैपिंग की वारदात 9 जनवरी 2016 हुई थी, जिस रिगार्डिंग FIR रजिस्टर हुई सी 7 नंबर 2016 इन पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 7। इस FIR दे विच आर्म्स एक्ट भी लग्या सी क्योंकि जिहड़े बंदे ने किडनैपिंग करी सी उहनां कोले वैपन भी सी। ये वारदात कुछ इस तरह हुई सी वी PPR मॉल दे लागे इन्हां दी किडनैपिंग हुई, तो किडनैपिंग करके वडाला चौंक तो होंदे हुए बस्तियां वाले एरिया दे विच ले जा के कुटमार करके इन्हां नूं इंजर्ड हालत दे जख्मी हालत दे विच उत्थे छड्ड गए सी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने काफ़ी थ्योरीज से काम कराया भी कारण की सी किडनैपिंग का, ये लुटखो सी या कोई पिछों कोई रंजिश सी कोई की सीगा। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बंदे सामने आए जिन्हों रेड करके पुलिस ने अरैसट कराया। जिहड़े 2 बंदे सामने आए सी इन्हां दा नाम सी रमनदीप सिंह उर्फ काकू बस्सियां दे रहिण वाला, दूसरा बंदा जिहड़ा अरैसट होया सी उहदा नाम है मनदीप सिंह उर्फ मोनू जिहड़ा पिंड गाखलां दा रहिण वाला। ये दोनों बंदे अरैसट हो गए थे जिन्हां दी निशानदेही ते जिन्हां दे बयान ते जिन्हां दी कन्फेशन ते 2 होर बंदे सामने आए हैप्पी उर्फ अशोक बस्तियां दा रहिण वाला ते 1 शमी सी वह भी बस्तियां दा रहिण वाला। ये कुल मिला के 4 बंदे से जिहड़े किडनैपिंग दे विच कॉन्ट्रीब्यूटर्स सीगे। ये 4 बंदे दे उत्ते FIR दे विच इन्हां नूं नॉमीनेट कर लिया गया। 2 बंदे अरैसटड ने, 1 दातर ते 1 छोरी बरामद हुई है, ते हैप्पी कोलों जल्द तो जल्द जिहड़ा है हैप्पी ते शमी ये भी अरैसट होणगे ते इन्हां कोलों जिहड़े बाकी रहिंदे वैपनस ने वह भी बरामद होणगे। 27,000 इन्हां ने किडनैपिंग के दौरान उस तो खोले सीगे प्रेस रिपोर्टर अमित गुप्ता तो, जो इन्हां कोलों रिकवर नहीं हो सके क्योंकि इन्हां ने ड्रग्स की कंजम्पशन दे विचों पैसे स्पेंड करते। तो जिहड़े बंदे दा नाम सामने आया ड्रग्स कित्थों लैंदे सी या की करदे सी वह इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वह जल्द तो जल्द वो सामने आ जाऊगा तो उन्होंने भी अरैसट कराया जाऊगा। कटिहार के मनिहारी में हुए नाव हादसे में लापता सभी 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुबह 2 किसानों के शव बरामद किए गए थे, वहीं कल शुक्रवार की शाम SDRF की टीम ने डूबे 4 किसानों के शव को बरामद किया था, जिसके चलते सभी लापता 6 किसानों के शव को बरामद कर लिया गया है। परसों ही पता चला था कि 6 आदमी कहते हैं लापता है, 6 के 6 डेड बॉडी मिल चुका है। कल 4 मिला था, आज 2 सुबह 2 मिल गया है। जो रेस्क्यू का काम है तो बंद किया जा रहा है। तो और सर मुआवजा की जो प्रक्रिया है वो तो जो आपदा के तहत जो प्रावधान होगा उसके तहत दिया जाएगा।